प्लीज हमारे चैनल बेस्ट होम मेकर कविता को सब्सक्राइब करें और हाउसवाइफ से रिलेटेड हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बाल गोपाल जी का मुकुट बताऊंगी। ये देखिए, ये मुकुट बनाने के लिए हमने ये लेस ली है जिससे हम मुकुट बनाएंगे। और ये हमने पस्ता लिया है, गत्ता बोलते हैं जिसको, वो लिया है। आप कोई भी ले लें। और हमने देखिए पेपर पे इस तरीके से कटिंग कर ली है और इसके ऊपर हम ऐसे निशान लगाएंगे ऐसे। और देखिए ऐसे हम ये निशान हल्का सा, जैसे हम बी बनाते हैं उस तरीके का निशान है ये, थोड़ा धनुष टाइप में। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब ये देखिए जैसे हमने इसके ऊपर निशान लगाए हैं उसी तरीके से हम इसको कट करके तैयार कर लेंगे। और जितना बड़ा आपको मुकुट चाहिए आप उस हिसाब से ये गत्ता कट कर सकती हैं। और ये हम 4 नंबर की कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। ये देखिए इसकी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप पहले किसी रफ पेपर पे कटिंग कर लें और फिर उसी हिसाब से आप इसकी गत्ते पे कटिंग कर लें। और ये देखिए मुकुट बनाने के लिए आप कोई भी ऐसी चीज ले सकती हैं। ये मैंने एक बोतल ली है, जिस साइज का आपको बनाना हो उस साइज की आप बोतल ले सकती हैं। इस बोतल से हमने देखिए इसी के नाप का हमने गत्ता कट किया है। आप पहले पेपर को कट कर लें, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। अब इसको हम इसके ऊपर लगाकर उसे धागे से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ये देखिए इसके ऊपर हमने अच्छे से धागा लगा लिया है ताकि ये खिसले ना। इस तरीके से धागा लगाने के बाद अब ये देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैंने पेस्टिंग से प्रेस कर ली है अच्छे से। ये देखिए मैंने पेस्टिंग लगा ली। और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने 8.5 इंच ली है। और मैंने इसकी चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। अब देखिए इसको सीधा करके हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। हमने देखिए जो आपको लेस दिखाई थी अभी, और हम ये ग्लू गन से लगाएंगे। हम ग्लू गन को सबसे पहले इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे और फिर उसके ऊपर इसे इसके ऊपर लेस लगाएंगे। आप कोई भी लेस का इसमें यूज कर सकती हैं। अब देखिए हमने इसके ऊपर लेस लगा ली। इसे हम अपना ऊपर का कान्हा जी का पंख बनाएंगे। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए एक बार हम इधर को फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी बार हम इधर को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे हम इसको फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको फोल्ड करके और इस जगह से बांध दिया है अच्छे से ताकि अच्छे से पंख बन जाए। और उसके अब देखिए जो हमने ये बोतल पे ये गत्ता लगाया था उसके बाद हमने गुलाई में कपड़ा काट लिया है रेड कलर का। अब इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर लगाएंगे इसको और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। देखिए लेस को हमें इस तरीके से लगाना है जैसे हम पगड़ी बांधते हैं ना, उस तरीके से लगाना है हमें लेस को। यहां से हम इसे कट कर देंगे। अभी देखिए हमने जो कट की थी उस वाले टुकड़े को हम ऐसे रख लेंगे और इसी के नीचे इसको दबा के फिर हम इसको इस तरीके से लपेटेंगे। ऐसे इस कपड़े को दबाते हुए चलना है पूरे कपड़े को। ये देखिए इस तरीके से जैसे हम पकड़ी बांधते हैं सेम उसी तरीके से आपको करना है। और इसमें करीबन 1 मीटर के बराबर लेस लग जाती है। लेस आप थोड़ी चौड़ी लेना क्योंकि जो हम ये
बनाते हैं। ये पूरा ढकना चाहिए इससे, कलर आप कोई भी ले सकती हैं। अभी देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे हम ग्लू गन लगाएंगे हल्की सी और उस पंख को सेट करेंगे जो हमने अभी कपड़े का बनाया था। इस तरीके से लगाने के बाद ग्लू गन हम देखिए इस वाले पंख को यहाँ पे सेट कर देंगे अच्छे से, इस तरीके से। ये हमारा सीधी साइड आएगा, अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी हम इसे बना रहे हैं। और फिर लेस को हम इस तरीके से ऊपर कर लाएंगे ऐसे, देखिए ऊपर कर लाने के बाद फिर से हम इसे ऐसे ही राउंड में घुमाएंगे। पहले हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे जिससे मतलब कहीं से हमारा कपड़ा दिखाई ना दे, इस तरीके से। और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे अब, और यहाँ से इसे हम ग्लू गन से चिपका देंगे। अभी देखिए, अब हम इसे इस बोतल के अंदर से निकाल देंगे। देखिए आराम से निकालना है बिल्कुल हमको, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे चारों तरफ से घुमाना है इसको। ये देखिए निकल गया हमारा मुकुट। अब उसके बाद जो हमारा आपको ये रेड कलर का कपड़ा दिख रहा है ना, अब इसकी हम सफाई करेंगे, इसको कट कर देंगे। अभी देखिए अगर दिख रहा है ना, इसको एक्स्ट्रा को कट कर देंगे हम ऐसे। धागे वगैरह जहां से भी दिख रहे हैं उनकी अच्छे से हम कटिंग कर देंगे, जहां से भी अगर हमको लग रहा है। वे देखिए सीधी साइड से इस तरीके से आया है ये। अब देखिए हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट के लिए इस पे सबसे पहले देखिए जो हमारे ये हमने प्लेट डाली थी, यहाँ पे हम ग्लू गन से कुछ स्टार चिपका लेंगे। ये देखिए हम इनके ऊपर ये इस तरीके से लगा लेंगे एक एक के ऊपर, जिससे और सुंदर लगे। आप इसे कितना भी डेकोरेट कर सकती हैं, जितना आप चाहें ऐसे। अब देखिए, अब हम इसके ऊपर ये ग्रीन कलर के मोती लगाएंगे। ये मोती हमें ऐसे लगाने हैं, यहाँ पे ऐसे लेस के ऊपर ही हम थोड़ी थोड़ी ग्लू गन रखेंगे। आप किसी भी मोती से इसको डेकोरेट कर सकती हैं। हमने ये ग्रीन कलर के मोती लिए हैं। ये देखिए हमने इसको इतना डेकोरेट कर लिया है। देखिए अब उसके बाद हम छोटे जी छोटे स्टोन है, बहुत छोटे हैं ये, अब इनको हम इनके ऊपर लगाएंगे। अब हम लगाना चालू करेंगे। देखिए इनको भी हम ग्लू गन से ही लगाएंगे, आप चाहें तो फेविकॉल से भी लगा सकती हैं, उसमें थोड़ा सूखने के लिए रखना पड़ेगा। डेकोरेट आप इसको कितना भी कर सकती हैं। अब उसके बाद हम एक छोटी बिंदी इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से।